हमारा देश भारत अपने आप में बसी संस्कृति और धार्मिक विरासत के लिए दुनिया भर में विख्यात है। हमारे देश में कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी शोभा देखने के लिए देश और विदेश से लाखों दर्शनार्थी और श्रद्धालु आते हैं और यहाँ के मंदिरों की शोभा देख मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पर है, तो आप भारत के ही किसी बड़े मंदिर का नाम लेंगे। लेकिन आपको शायद यह जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भारत में नहीं बल्कि भारत से 4,933 किलोमीटर दूरी पर कंबोडिया में स्थित है। इस मंदिर का नाम है अंकोरवाट। यह मंदिर 402 एकड़ में फैला है जो कि खमेर साम्राज्य में बनाया गया था और यह भगवान विष्णु को समर्पित है जो धीरे धीरे 12वीं शताब्दी के अंत में बौद्ध मंदिर में परिवर्तित हो गया था। यह कंबोडिया के अंकोर में है जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। इस इलाके के इतिहास पर गौर करें तो बेहद दिलचस्प कहानी सामने आती है। 9वीं शताब्दी ईस्वी में जयवर्मा तृतीय कंबुज का राजा हुआ और उसी ने अंकोरथोम नामक अपनी राजधानी की नींव डाली। उस वक्त अंकोर को यशोधरपुर के नाम से जाना जाता था। राजधानी लगभग 40 वर्षों तक बनती रही और 900 ईस्वी के लगभग तैयार हुई। यह अपने समय में संसार के महान नगरों में गिना जाता था और इसका विशाल भव्य मंदिर अंकोरवाट के नाम से आज भी विख्यात है। इस मंदिर का निर्माण 1112 में कंबुज के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय के शासनकाल में हुआ था, परंतु वे इसे पूर्ण नहीं कर सके। अंकोर वाट के निर्माता सूर्यवर्मन द्वितीय ने इतना ज्यादा निर्माण कार्यों में धन खर्च कर दिया था कि देश कंगाली की स्थिति में पहुंच गया था। इसका परिणाम ये हुआ कि सन 1150 से 1181 ईस्वी तक देश में ना तो किसी मंदिर का निर्माण हुआ और ना ही कोई शिलालेख लिखा गया। इसके बाद मंदिर का कार्य उनके भांजे एवं उत्तराधिकारी धर्मेंद्र वर्मन के शासनकाल में सम्पूर्ण हुआ। वर्ष 1431 में सियामी हमले के दौरान कंबोडिया में हजारों देवी देवताओं की मूर्तियां, मंदिर और कलाकृतियों के लिए खतरा पैदा हो गया। सभी ने इन्हें लावारिस छोड़ दिया। राजधानी पर हमले की मुश्किल घड़ी में कंबोडिया के लोगों का बर्ताव हैरान कर देने वाला था। हमला होते ही लोग राजधानी छोड़कर चले गए। किसी ने भी अपनी राजधानी को बचाने की जरा सी भी कोशिश नहीं की, जिसके चलते यहां बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों का शासन स्थापित हो गया और मंदिरों को बौद्ध रूप दे दिया गया। 16वीं शताब्दी के आगमन से पहले ही अंकोर का सुनहरा अध्याय लगभग समाप्त हो गया और बहुत से प्राचीन मंदिर खंडहर में तब्दील हो गए। इसी दौरान अंकोर वाट की संरचना और बनावट को कई प्रकार के परिवर्तनों से भी गुजरना पड़ा। फिर धीरे धीरे पास के वनों की बाढ़ ने नगर को दुनिया की नजरों से गायब कर दिया और उसकी सत्ता अंधकार में विलीन हो गई। नगर भी अधिकतर टूटकर खंडहर हो गया। इतिहास पर नजर डाली जाए तो इस मंदिर का इतिहास बौद्ध और हिंदू दोनों ही धर्मों से जुड़ा है। करीब 27 शासकों ने कंबो देश पर राज किया, जिनमें से कुछ शासक हिंदू और कुछ बौद्ध थे। यही वजह है कि कंबोडिया में हिंदू और बौद्ध दोनों से ही जुड़ी मूर्तियां मिलती हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में एक फ्रांसीसी पुरातत्वविद और प्रकृति विज्ञानी हेनरी महोद की नजर इस पर पड़ी और उन्होंने फिर से एक बार दुनिया के गुमशुदा बेशकीमती और आलिशान मंदिर को ढूंढ निकाला। यह मंदिर 402 एकड़ में फैला है जिसकी रक्षा भी एक चतुर्दिक खाई करती है जो लगभग 700 फुट गहरी है और यह सदा जल से भरी रहती है। मंदिर के पश्चिम की ओर इस खाई को पार करने के लिए एक पुल बना हुआ है। पुल को पार करते ही मंदिर में प्रवेश के लिए एक विशाल द्वार बना हुआ है जो लगभग 1000 फुट चौड़ा है। मिस्र के स्टेप पिरामिडों की तरह यह सीढ़ी पर उठता हुआ बनाया गया है। इसका मूल शिखर लगभग 64 मीटर ऊंचा है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी 8 शिखर 54 मीटर ऊंचे हैं।
मंदिर 3.5 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार से घिरा हुआ है। उसके बाहर 30 मीटर खुली भूमि और फिर बाहर 190 मीटर चौड़ी खाई है। नगर के ठीक बीचों बीच शिव का एक विशाल मंदिर है जिसके 3 भाग हैं। प्रत्येक भाग में एक ऊंचा शिखर है। मध्य शिखर की ऊंचाई लगभग 150 फीट है। इस ऊंचे शिखरों के चारों ओर अनेक छोटे छोटे शिखर बने हैं जिनकी संख्या लगभग 50 के आसपास है। मंदिर की विशालता और निर्माण कला आश्चर्यजनक है। भारतीय धर्म ग्रंथों के लिहाज से देखें तो इसका बेहद खास महत्व है। ये विष्णु मंदिर मेरु पर्वत का प्रतीक है। इसकी दीवारों पर समस्त रामायण मूर्तियों में अंकित है, साथ ही भारतीय धर्म ग्रंथों के सभी प्रसंगों का सजीव चित्रण है। जैसे इसमें असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन का दृश्य भी दिखाया गया है, जिसे देखने से हमें पता चलता है कि विदेशों में जाकर भी प्रवासी कलाकारों ने भारतीय कला को जीवित रखा था। इस मंदिर का जुड़ाव भारतीय संस्कृति से है, इसलिए कहा जाता है कि यह मंदिर एक ही दिन में अलौकिक शक्तियों के माध्यम से बना था। आधुनिक कंबोडिया में ही लगभग 450 स्मारक हैं, जिन पर सरकार का अधिकार है, लेकिन राष्ट्र के लिए सम्मान के प्रतीक के रूप में अंकोरवाट मंदिर को ही कंबोडिया के राष्ट्रध्वज में स्थान दिया गया है। विश्व के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थानों में से एक होने के साथ ही यह मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। पर्यटक यहाँ केवल वास्तुशास्त्र का अनुपम सौंदर्य देखने ही नहीं आते, बल्कि यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त देखने भी आते हैं। कंबोडिया के विचित्र इतिहास के पन्नों को पलटती ये ऐसी अद्भुत कड़ी है जो हिंदुस्तान की धार्मिक और सांस्कृतिक जड़ों का भी विस्तार बताती है। इसका प्राकृतिक सौंदर्य इतना अतुल्य है कि दुनिया के प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरों में इसे 7वां स्थान प्राप्त है। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा आगरकर। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।